चलिए ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट जो सोल्यूशन हम बनाते हैं वो टर्म और इंटरेस्ट दोनों को मिला के बनाते हैं। टर्म और इंटरेस्ट दोनों को मिक्स करके हम एक सोल्यूशन बनाते हैं, और इसी सोल्यूशन को हम कहेंगे पीटरसन सोल्यूशन। ठीक है, इस सोल्यूशन को हम कहेंगे पीटरसन सोल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पीटरसन सोल्यूशन, ध्यान से देखिएगा। आज हो सकता है कि हम केवल पीटरसन सोल्यूशन को ही फिनिश कर पाए। या ये एक सी लैंग्वेज में लिखा हुआ एक सोल्यूशन है। इस सोल्यूशन में क्या लिखा है कि ट्रू और फॉल्स को दो हमने मैक्रो मान लिया है। ट्रू का मतलब है वन, फॉल्स का मतलब है जीरो। एंड देन इसके बाद दो प्रोसेस का सोल्यूशन हम मान रहे हैं इसको, और एन जो है मुझे वो बता रहा है कि दो प्रोसेस, एन की वैल्यू टू होगी। मैंने हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हैश डिफाइन एन एस टू, और जितने भी प्रोसेस ये हैं इन सबको फॉल्स डिक्लेयर कर दिया। फॉल्स डिक्लेयर करने का क्या मतलब है कि जितने भी ये प्रोसेसेस हैं उन सभी के इंटरेस्टेड को हमने फॉल्स कर दिया, कोई भी इंटरेस्टेड नहीं इनिशियली, ये इनिशियलाइजेशन। देन एक टर्न वेरिएबल है जो कि ग्लोबल वेरिएबल है, तो इंटरेस्टेड भी ग्लोबल है और टर्न भी ग्लोबल वेरिएबल है। किसी भी प्रोसेस को अगर एग्जीक्यूट करना होगा तो ये एंट्री सेक्शन वाला कोड एग्जीक्यूट करेगा, फिर क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद वो एग्जिट सेक्शन का ये जो सोल्यूशन है वो एग्जीक्यूट करेगा। दो हमने फंक्शंस बनाए, एक एंट्री सेक्शन का एक एग्जिट सेक्शन का। ठीक है, तो इसमें हमने क्या लिखा है इसको पहले समझ लेते हैं, देन उसके बाद हम लोग इसको डिटेल में कुछ एग्जाम्पल्स देके समझ। तो यहाँ पे एक आ गया है कि एक करंट प्रोसेस है जिसका नाम है पी आर ओ सी ई डबल एल, और इसके लिए जो दूसरा प्रोसेस है वो है अदर। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि पहला प्रोसेस पी जीरो है, तो प्रोसेस का मतलब है जीरो और अदर क्या हो जाएगा वन माइनस जीरो, मतलब कि अदर प्रोसेस हो जाएगा वन। सिमिलरली अगर करंट प्रोसेस है वन तो अदर प्रोसेस क्या हो जाएगा वन माइनस वन मतलब जीरो। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको, नहीं समझ में आ रहा तो मैं फिर से बताता हूँ इसको। यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, एक है करंट प्रोसेस और एक है अदर प्रोसेस। तो करंट प्रोसेस मान लेते हैं कि जीरो है, अगर करंट प्रोसेस जीरो है तो अदर प्रोसेस क्या होगा वन माइनस करंट प्रोसेस मतलब कि वन। अच्छा मान लेते हैं करंट प्रोसेस वन है तो दूसरा प्रोसेस क्या होगा अदर प्रोसेस क्या होगा वन माइनस करंट प्रोसेस दैट इज इक्वल टू जीरो। फिर टू प्रोसेस का सोल्यूशन है जिसमें कि प्रोसेस का मतलब करंट प्रोसेस और अदर प्रोसेस अदर का मतलब दूसरा वाला प्रोसेस। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इनिशियली हमने इसको जीरो लिया है, प्रोसेस को जीरो लिया है। एंट्री सेक्शन में हम प्रवेश करते हैं, और एंट्री सेक्शन में प्रवेश करने से पहले हमें पता है कि हमने इन सभी प्रोसेसेस के मतलब कि प्रोसेस नंबर जीरो प्रोसेस नंबर वन दोनों के लिए इंटरेस्ट वेरिएबल को फॉल्स सेट कर दिया, या इंटरेस्ट को हमने फॉल्स सेट कर दिया। नाउ लाइन नंबर वन कह रहा है कि हमने अदर प्रोसेस को डिक्लेयर किया, डिक्लेयर करने मतलब एक वेरिएबल डिक्लेयर किया अदर, और अदर इज इक्वल टू वन माइनस प्रोसेस, बिल्कुल ऐसा ही जैसा मैंने अभी भी डिक्लेयर अभी अभी आपको बताया। तो लाइन नंबर टू इज टेलिंग अस, चलिए हम सोल्यूशन ऐसे ले रहे हैं कि जीरो नंबर प्रोसेस मेरे लिए है तो पी आर ओ सी ई डबल एस इज इक्वल टू जीरो, और अदर की वैल्यू कितनी हो जाएगी दैट विल बी इक्वल टू वन माइनस जीरो मीन वन। तो लाइन नंबर वन और लाइन नंबर टू एग्जीक्यूट हो चुका है। लाइन नंबर थ्री ये कह रहा है कि चूंकि ये प्रोसेस इस प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट करना है, इसलिए अपने इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड वेरिएबल को ये ट्रू सेट करेगा। तो ये करंट प्रोसेस के आई एन टी मैंने आई एन टी में शॉर्ट में ले लिया, अदरवाइज है इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड को ये सेट करेगा ट्रू क्योंकि ये इंटरेस्टेड है क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करना। ठीक है, और साथ ही साथ ये करेगा ये कि अपने टर्न को सेट करेगा, मतलब कि टर्न इज इक्वल टू जीरो करेगा। ठीक है, अपने टर्न को ये खुद से सेट करेगा, तो टर्न इक्वल टू जीरो इसने सेट किया। दोनों काम इसने किया, इंटरेस्ट को ट्रू सेट किया और टर्न को जीरो सेट किया। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखो ये वाला फाइव नंबर लाइन को ध्यान से देखना जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये लाइन नंबर फाइव ये कह रहा है कि जब तक इंटरेस्ट ऑफ अदर प्रोसेस इज ट्रू, मतलब कि दूसरा प्रोसेस इंटरेस्टेड है और टर्न इक्वल टू प्रोसेस है, इसका मतलब क्या है कि करंट वाला जो प्रोसेस है उसका टर्न है, अगर दोनों है तो वेट करो। ठीक है, अगर दोनों है तो वेट करो, ये सिचुएशन क्या कह रहा है। अगर हम माने कि जीरो नंबर प्रोसेस के लिए हमने इसको चलाया है और इंटरेस्ट ऑफ अदर प्रोसेस मतलब वन का ट्रू है और टर्न किसका है जीरो का है, तो आप वेट करो। ठीक है, टर्न जीरो का है तो आप वेट करोगे, लगातार वेट करो, कोई बिजी वेटिंग सोल्यूशन है, अभी आपको वेट करना है। ठीक है, अच्छा अभी अगर आपको वेट करना है तो कब आपको निकलना है इस वेट से, कब ये लूप टर्मिनेट होगा? लूप तब टर्मिनेट होगा जबकि इंटरेस्ट वन जो ट्रू है वो फॉल्स हो जाए,
या ऐसा हो कि जो टर्न जीरो का है वो वन का हो जाए, टर्न जीरो का जीरो की जगह वन हो जाए, या इंटरेस्ट फॉल्स हो जाए, दोनों केस में आप एग्जिट कर जाना, ठीक है। अगर दूसरा प्रोसेस इंटरेस्टेड नहीं है तो भी एग्जिट कर जाओ उसमें से, क्योंकि एंड लगा हुआ ना बीच में, दोनों कंडीशन साथ साथ ट्रू होने, या फिर टर्न इक्वल्स टू प्रोसेस की जगह अदर हो जाए, ठीक है, प्रोसेस की जगह अदर हो जाए, प्रोसेस को जीरो मान रहे तो अदर का मतलब वन हो जाए, तो भी हम इसमें इससे एग्जिट कर जाएंगे, और इससे एग्जिट करते ही क्रिटिकल सेक्शन में हम प्रवेश करते हैं। तो लाइन नंबर पांच जैसे ही हमारी क्रॉस होगी हम क्रिटिकल सेक्शन में पहुंच जाएंगे, ठीक है। मान लीजिए क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूशन फिनिश हो गया, क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूशन फिनिश होने के बाद हम एग्जिट सेक्शन चलाएंगे। एग्जिट सेक्शन क्या कहता है? एग्जिट सेक्शन ये कहता है कि इंटरेस्टेड ऑफ प्रोसेस को हम फॉल्स करते हैं। इसका मतलब कि जो करंट प्रोसेस हमारा चल रहा था जीरो था ना, तो जीरो के इंटरेस्ट को हम फॉल सेट कर देते हैं, क्योंकि इसका एग्जीक्यूशन क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूशन फिनिश हो गया। ओके, इसमें मेन जो चीज है वो निश्चित रूप से लाइन नंबर फाइव है। फिर से समझिए एक बार लाइन नंबर फाइव को, कि क्रिटिकल सेक्शन हम कब अलाउ करेंगे, जबकि दूसरे प्रोसेस का इंटरेस्ट फॉल्स हो जाए या टर्न भी दूसरे प्रोसेस का हो जाए, ठीक है, टर्न इक्वल्स टू बी वन, दोनों में से कोई भी सेटिस्फाई हो जाए तो हम क्रिटिकल सेक्शन अलाउ कर दें। लेकिन अगर टर्न इज इक्वल्स टू, माने टर्न ऑफ टर्न नहीं करते इसको, इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड प्रोसेस टू है और करंट प्रोसेस का टर्न है, टर्न इज इक्वल्स टू जीरो है, तो हम क्रिटिकल सेक्शन अलाउ नहीं करेंगे और वेट करेंगे, एंड वी विल कीप वेटिंग, ठीक है। चलिए इसका एक सिनेरियो लेते हैं। सिनेरियो ये है कि पी जीरो प्रोसेस, एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा, यस, तो ये बॉक्स में जो लिखा हुआ नीचे है, पी जीरो प्रोसेस ने स्टेटमेंट चलाया, ध्यान से देखिएगा, पी जीरो प्रोसेस ने स्टेटमेंट चलाया वन टू थ्री फोर और फाइव। देखिए इनिशियली क्या है, इनिशियली दोनों प्रोसेस के इंटरेस्टेड फॉल्स है, ठीक है, उसका मतलब क्या है कि आई जीरो भी फॉल्स है और आई वन भी फॉल्स है, ओके। फिर टर्न वेरिएबल, टर्न वेरिएबल क्या करेगा, फोर नंबर लाइन देखो क्या कर रहा है, फोर नंबर लाइन टर्न को इसी प्रोसेस का टर्न सेट कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि टर्न इज इक्वल टू जीरो, अभी हम जीरो प्रोसेस की बात कर रहे हैं, इसलिए पी जीरो प्रोसेस, पी जीरो मतलब कि, या प्रोसेस पी जीरो जो गिवन है, इसका मतलब कि प्रोसेस की वैल्यू जीरो है और अदर की वैल्यू वन हो जाएगी, ठीक है। तो तीन नंबर लाइन क्या कह रहा है, इंटरेस्ट ऑफ प्रोसेस इक्वल टू ट्रू, इसका मतलब क्या है कि जीरो नंबर प्रोसेस जिसका इंटरेस्ट पहले फॉल्स था ट्रू कर दो, है ना। तो ध्यान से देखो ये वाली चीज जो मैंने मार्क किया, ये जो मैंने अभी मार्क किया, इसका मतलब क्या है कि जीरो नंबर प्रोसेस का इंटरेस्ट ट्रू हो गया और वन नंबर प्रोसेस का इंटरेस्ट फॉल्स है। कंडीशन पांच के हिसाब से क्योंकि दूसरे प्रोसेस का इंटरेस्ट फॉल्स है इसलिए हम क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री कर, ठीक है, दूसरे प्रोसेस का मतलब कि प्रोसेस नंबर वन का इंटरेस्टेड फॉल्स है इसलिए हम क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री कर सकते हैं, इसलिए पी जीरो प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री कर गया है। क्योंकि पी जीरो प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री कर गया और अगर हमने इसको प्रीम्प्ट कर दिया इस पॉइंट पे, इसका हमने प्रीम्प्शन कर दिया अगर इस पॉइंट पे, तो उसके बाद हमने पी वन प्रोसेस के लिए यही कोड चलाया। पी वन प्रोसेस में क्या हो रहा है, वन नंबर स्टेटमेंट चल रहा है, टू चल रहा है, थ्री चल रहा है, थ्री का मतलब क्या है कि आई वन ट्रू हो गया, ठीक है, आई वन ट्रू हो गया, ठीक है, आई जीरो तो ट्रू था ही पहले से, चेक कीजिए, आई जीरो तो ट्रू था ही, आई वन भी ट्रू हो गया, ठीक है, आई जीरो तो ट्रू था ही, आई वन भी ट्रू हो गया। अच्छा फोर नंबर क्या कह रहा है, फोर नंबर कह रहा है कि टर्न इक्वल्स टू प्रोसेस, मतलब कि अब हमने टर्न इक्वल्स टू वन कर। फाइव नंबर क्या कह रहा है, कंडीशन चेक करना, कंडीशन क्या चेक करने के लिए कह रहा है, अगर इंटरेस्ट ऑफ द अदर प्रोसेस इज ट्रू, यस जीरो नंबर प्रोसेस का इंटरेस्ट ट्रू है और टर्न इक्वल्स टू प्रोसेस, इसका मतलब क्या है कि टर्न इक्वल्स टू वन है, दोनों है तो इसका मतलब हमें वेट करना है, दोनों है तो इसका मतलब कि हमें वेट करना है, तो इसका मतलब कि ये वेट करेगा, अभी इसको क्रिटिकल सेक्शन नहीं मिलेगा। मान लीजिए कि इसके बाद इसका प्रीम्प्शन होता है पांच नंबर लाइन पे, फिर पी जीरो प्रोसेस स्टेटमेंट नंबर सिक्स चलाता है। स्टेटमेंट नंबर सिक्स का क्या मतलब है कि पी जीरो प्रोसेस ने क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट कर लिया, अब ये फ्री कर रहा है, फ्री कर रहा है, तो सिक्स नंबर में ये क्या कह रहा है, देखिए सिक्स नंबर लाइन में, सिक्स नंबर लाइन, सॉरी
सिक्स नंबर लाइन मतलब कि एग्जिट सेक्शन में ये कहा जा रहा है कि इंटरेस्टेड ऑफ प्रोसेस इज इक्वल टू फॉल्स, मतलब कि आई जीरो अपनी वैल्यू को, अपने इंटरेस्ट की वैल्यू को फॉल्स सेट कर दे रहा है। होल्ड ऑन अ मिनट, शायद एनोटेशन में देरी हो रही है। यस नाउ पी जीरो प्रोसेस सिक्स नंबर स्टेटमेंट चला रहा है। पी जीरो प्रोसेस अगर सिक्स नंबर स्टेटमेंट चला रहा है तो मतलब कि एग्जिट सेक्शन में है, ये क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट कर चुका है, इसलिए अपने इंटरेस्ट को फॉल्स सेट कर देगा। तो पी जीरो के लिए इंटरेस्ट फॉल्स हो गया, क्योंकि दूसरे प्रोसेस का इंटरेस्ट फॉल्स हो गया। इसका मतलब क्या है कि जो पी वन प्रोसेस को अगर हम अभी चला दें तो पी वन प्रोसेस पांच नंबर स्टेटमेंट मतलब कि लूप में चेक करेगा कि क्या दूसरे वाले का ट्रू है कि फॉल्स है, क्योंकि फॉल्स है इसलिए क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री कर जाएगा। तो पी वन प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कब किया, जब पी जीरो ने फिनिश किया। ठीक है, पी जीरो ने जब फिनिश किया, पी जीरो फिनिश किया क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूशन एंड देन पी वन एंटर किया। इसका मतलब क्या है कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो गारंटीड है। ठीक है, जब पी जीरो ने फ्री किया तभी पी वन एंटर कर रहा है ना, इसलिए म्यूचुअल एक्सक्लूजन गारंटीड है। ठीक है, अच्छा प्रोग्रेस की हम बात करते हैं। प्रोग्रेस तब होगा जबकि एक प्रोसेस जो इंटरेस्टेड है दूसरे को रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा। यस है ऐसा ही नहीं, यहाँ पे अगर एक प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री करना है तो अपने वो टर्न को सेट करेगा, अपने इंटरेस्ट को शो करेगा, है ना। अगर दूसरे प्रोसेस को एंटर करना है तो वो भी यही करेगा। तो एक प्रोसेस दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर रहा, दूसरा प्रोसेस पहले को डिस्टर्ब नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे प्रोग्रेस गारंटीड है। अगर ये पीटरसन सॉल्यूशन नहीं समझ में आया तो अभी एक कुछ एग्जांपल्स और हैं, उससे आप समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। इस एग्जांपल में वही देखिए, कोड मैंने राइट हैंड साइड पे लिख दिया और लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ सिनेरियोस। प्रोसेस नंबर है, पी का मतलब प्रोसेस नंबर है, आईएनटी का मतलब इंटरेस्ट है और टर्न का मतलब टर्न है। ठीक है, सो पी आई एन टी टर्न, पी का मतलब प्रोसेस नंबर, आई एन टी मतलब इंटरेस्ट और टर्न का मतलब टर्न। पी जीरो प्रोसेस स्टेटमेंट नंबर चलाता है 1 2 3, पी नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग अपने इंटरेस्ट को ये 1 सेट कर देता है। ठीक है, तो प्रोसेस नंबर जीरो का जो इंटरेस्ट है वो ट्रू सेट हो गया। ठीक है, प्रोसेस नंबर जीरो का इंटरेस्ट ट्रू सेट हो गया विद लाइन नंबर 3। ओके, इसके बाद इसका प्रीमिशन हो, प्रीमिशन हुआ तो पी वन ने अपना कोड चलाया। पी वन ने क्या लिखा, स्टेटमेंट नंबर 1 2 3। ठीक है, थर्ड के कॉरेस्पॉन्डिंग ये अपने टर्न, अपने इंटरेस्ट वेरिएबल को 1 सेट कर रहा है। इसका मतलब प्रोसेस नंबर 1 ये है और ये अपने इंटरेस्ट को ट्रू सेट कर रहा है। मे बी बिट डिले, बट लिख दिया। ठीक है, विजिबल हो गया आपको, प्रोसेस नंबर 1 ने अपने इंटरेस्ट को ट्रू सेट कर। फोर नंबर लाइन ये कह रहा है कि ये टर्न अपना करेगा। ठीक है, टर्न इक्वल टू 1 कर दिया, यू आर एन टर्न इज इक्वल टू 1 सेट कर दिया। अच्छा, पांच नंबर लाइन में ये एग्जीक्यूशन करके देखेगा कि क्या ये क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर सकता है कि नहीं। अदर प्रोसेस मतलब कि पी जीरो प्रोसेस, 1 करंट है तो उसका मतलब है कि अदर 0 हो जाएगा। तो 0 वाले प्रोसेस का इंटरेस्टेड ट्रू है, यस ट्रू ही तो है, और टर्न इसी प्रोसेस का है मतलब टर्न इक्वल टू 1 है, इसका मतलब ये वेट करेगा। दोनों कंडीशन ट्रू है, इसका मतलब क्या है कि ये वेट करेगा, इट वेट। फिर इसका प्रीमिशन हो जाता है। इसके प्रीमिशन के बाद फिर पी जीरो प्रोसेस अपना स्टेटमेंट चलाता है, स्टेटमेंट नंबर 4। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 4, स्टेटमेंट नंबर 4 है टर्न इक्वल टू 0। यहां से देखिए, स्टेटमेंट नंबर 4 मतलब टर्न इज इक्वल टू 0। 0 नंबर प्रोसेस ने स्टेटमेंट चलाया है इसलिए टर्न इक्वल टू प्रोसेस मतलब कि टर्न इक्वल टू 0। 5 नंबर स्टेटमेंट ने क्या चेक किया, 5 नंबर स्टेटमेंट चेक किया कि क्या दूसरे प्रोसेस का इंटरेस्ट 2 है। यस, 0 नंबर प्रोसेस के लिए हम चेक कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि 1 नंबर का स्टेटस चेक करेंगे, तो 1 नंबर का स्टेटस 2। दूसरा, क्या टर्न इक्वल्स टू 0 है मतलब करंट प्रोसेस, यस ये भी है, इसका मतलब ये भी प्रोसेस वेट करेगा। ठीक है, ये भी प्रोसेस हमारा वेट करेगा, क्योंकि ये प्रोसेस वेट करेगा। अब इसको प्रिंट करके P1 प्रोसेस पे जाते हैं। फिर P1 प्रोसेस ने क्या किया, P1 प्रोसेस ने 5 नंबर स्टेटमेंट फिर से चलाया। 5 नंबर स्टेटमेंट क्या कह रहा है P1 प्रोसेस का, क्या दूसरा वाला इंटरेस्टेड है, यस 1 के लिए चेक करें ना, इसका मतलब कि 0 की वैल्यू को चेक करेंगे, इंटरेस्टेड 0 ट्रू है, यस है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं। दूसरा क्या कह रहा है, टर्न इक्वल टू प्रोसेस, अगर टर्न इक्वल टू 1 होता
तब तो ये सही होता, लेकिन टर्न की वैल्यू जीरो है। क्योंकि टर्न की वैल्यू जीरो है इसलिए हम इस प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे, मतलब कि ये पांच नंबर जो लाइन है वो टर्मिनेट हो रही है। पांच नंबर के टर्मिनेट होने का मतलब क्या है कि क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री हो सकती है, इससे पी वन प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर जाएगा। ठीक है, पी वन प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर जाएगा। ओके, नहीं समझ में आया तो फिर से जस्ट चेक। पी जीरो ने 1 2 3 लाइन नंबर चलाया, थ्री नंबर के अकॉर्डिंग इसने अपने इंटरेस्ट को ट्रू कर दिया, जीरो नंबर प्रोसेस ने अपने इंटरेस्ट को ट्रू कर दिया, फिर इसका प्रीमिशन होता है। फिर पी वन प्रोसेस चलाता है स्टेटमेंट 1 2 3, थ्री के कॉरेस्पॉन्डिंग इसने पी वन प्रोसेस ने अपने इंटरेस्ट को 1 सेट कर दिया। फोर के अकॉर्डिंग इसने टर्न की वैल्यू अपने पास कर ली, मतलब टर्न इक्वल टू 1 कर दिया। फाइव नंबर के अकॉर्डिंग ये कंडीशन चेक कर रहा है, कंडीशन क्या चेक कर रहा है कि क्या दूसरा वाला प्रोसेस इंटरेस्टेड है, यस है। क्या टर्न इसका है, यस टर्न भी इसका है, तो इसका मतलब कि इसको वेट करना है, क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, इसका मतलब क्या है कि इसको वेट करना है, तो इट वेट्स। प्रीमिशन कर देते हैं इसका। फिर पी जीरो पे आते हैं, पी जीरो ने 1 2 3 चला लिया था, 4 5 चलाते हैं। फोर के कोरस्पॉन्डिंग पी जीरो प्रोसेस टर्न को अपने पास सेट कर रहा है, टर्न इक्वल टू 0 सेट कर रहा है। फिर फाइव नंबर के कोरस्पॉन्डिंग इंटरेस्ट चेक कर रहा है, क्या पहले प्रोसेस नंबर 1 का या अदर प्रोसेस का इंटरेस्ट 2 है, यस है। चेक कीजिए, प्रोसेस नंबर 1 का इंटरेस्ट 2 है, क्योंकि प्रोसेस नंबर 1 का इंटरेस्ट 2 है और टर्न इक्वल टू प्रोसेस, क्या टर्न इक्वल टू 0 है, यस है। इसका मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, इसका मतलब ये वेट करेगा, वेट ही करने दीजिए इसको। फिर हमने प्रीम कर दिया इसको, पी वन प्रोसेस का स्टेटमेंट नंबर 5 चलाया दोबारा से। पी वन का अगर 5 नंबर स्टेटमेंट चलाया तो दूसरे का इंटरेस्ट चेक किया इसने, दूसरा मतलब पी जीरो का ट्रू है इंटरेस्ट, पहली कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड। फिर दूसरा क्या कर रहा है, टर्न इक्वल टू प्रोसेस, यस टर्न इक्वल टू प्रोसेस तो नहीं है, टर्न अगर 1 होता तो प्रोसेस टर्न इक्वल टू प्रोसेस होता, लेकिन टर्न इक्वल टू 0 इसका मतलब कि टर्न इज नॉट इक्वल टू प्रोसेस, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, क्योंकि एंड कंडीशन लगी है तो दोनों कंडीशन फॉल्स मानी जाएगी, इसलिए ये क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री कर जाएगा, लूप टर्मिनेट हो गया, इसका मतलब ये क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री कर जाएगा। तो फाइव नंबर जो प्रोसेस है वो हमारा क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री कर गया। ओके, वाज एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड, कितने लोगों को समझ में आ रहा है ये बात जो भी मैंने सिनेरियो एक्सप्लेन किया, काइंडली रेज योर हैंड्स इन केस आपको समझ में आया तो। थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझना, बट लेकिन आप अपना दिमाग लगाते रहेंगे, क्वेरीज पूछते रहेंगे, देन तभी जो है हमारा P0 का 4 5 से समझा दीजिए एक और बार। ठीक है, P0 का 4 5 होने का ये मतलब है, ठीक मैं सारे लिंक कर लेता हूँ। P0 का 4 4 का मतलब क्या है कि P0 टर्न अपने बराबर सेट कर रहा है, टर्न इक्वल्स टू प्रोसेस। 5 का मतलब क्या है, कंडीशन चेक कर रहा है, कंडीशन क्या है कि ये दूसरे प्रोसेस का इंटरेस्ट चेक कर रहा है, यस P0 के लिए चेक कर रहे हो इसलिए इंटरेस्ट 1 चेक करोगे तो ये तो 2 है। फिर टर्न इक्वल्स टू प्रोसेस, इसका मतलब टर्न इक्वल्स टू 0 ये भी 2 है, दोनों कंडीशन ट्रू है, इसका मतलब क्या है कि हम वेट करेंगे। ठीक है, सेमी कॉलन का मतलब वेट करेंगे और लगातार चेक करते रहेंगे इसी चीज को। फिर मान ली प्रीमिशन इसका होता है, जब इसका प्रीमिशन होता है तो P1 प्रोसेस चेक कर रहा है, P1 प्रोसेस 5 नंबर स्टेटमेंट, जो उसका स्टेटमेंट अधूरा रह गया था अभी चेक करने के लिए, हमने उसको चेक किया। तो यहाँ पहले चेक किया जा रहा है P1 प्रोसेस के लिए कि क्या इंटरेस्टेड ऑफ अदर ट्रू है, तो अगर 1 के लिए चेक कर रहे हैं तो 0 का चेक करेंगे तो इंटरेस्ट 0 ट्रू है, क्योंकि इंटरेस्ट 0 ट्रू है। अब हम टर्न चेक करेंगे, क्या टर्न इक्वल टू 1 है, नहीं टर्न इक्वल टू 0 है, देखिए ध्यान से देखिए टर्न इज इक्वल टू 0, क्योंकि टर्न इक्वल टू 0 है इसका मतलब ये कंडीशन फेल होगी, 5 नंबर फेल हो गया, 5 नंबर फेल हो गया इसका मतलब क्या है कि क्रिटिकल सेक्शन में P1 एंटर कर रहा है, लूप से हटना ही तो था, लूप से बाहर ही तो आना था, इसको आ गया लूप से बाहर एक कंडीशन को फेल करके, तो ये क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर गया, करेक्ट निमेश? यस सर। ठीक है, अब नीचे वाला सिनेरियो चेक करते हैं। नीचे वाले सिनेरियो में क्या है, ये पी ए प्रोसेस नंबर, ये इंटरेस्ट है और ये टर्न है। ठीक है, आप बताते रहिएगा, देखते रहिएगा और हम देखते हैं कि हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो P0 प्रोसेस ने 1 2 3 स्टेटमेंट चलाया सर। हाँ ठीक सर, किसी स्टेटमेंट को कितनी बार भी चला सकते हैं? बिल्कुल कितनी बार भी चला सकते हैं, लेकिन हम एक्चुअली ये कह रहे हैं कि सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन है, तो सिक्वेंशियल में जो एक बार लिखी उसको एक बार चलाओ, अगर लूप है तो उसको दो बार चला सकते हो, लूप तो चलता ही रहेगा ना सर। जैसे इसमें आपने P0 का 1 2 3 चलाया, फिर बाद में 4 5 चलाया था,
बट पी वन का आपने पहले भी 1 2 3 4 5 चलाया था, फिर से 5 चलाया लास्ट में, फाइव नंबर एक्चुअली लूप है ना, इसलिए चलाया इसको दोबारा। ओके लूप सर तो चलता रहेगा ना, यस वेट सर करा, इसका मतलब क्या है, दोबारा चलेगा, लूप चेक करेगा, बिजी वेटिंग सोल्यूशन है। नहीं समझे बात को? यस सर आ गया सर। ठीक है। अच्छा पी जीरो प्रोसेस की बात करते हैं। नाउ पी जीरो प्रोसेस में स्टेटमेंट नंबर वन चला, टू चला, थ्री चला, नीचे वाला सिनेरियो हम देख रहे हैं। थ्री नंबर के कोरस्पॉन्डिंग पी जीरो प्रोसेस ने अपने इंटरेस्ट को ट्रू कर दिया। ठीक है, पी जीरो प्रोसेस ने अपने इंटरेस्ट को ट्रू कर दिया। मैं एंटर की कर रहा हूँ इसको, तो आपको दिख जाएगा, ये दिख गया होगा, प्रिंट हो गया। ये पी वन प्रोसेस ने वन टू थ्री चलाया। वन टू थ्री का मतलब क्या है कि थर्ड नंबर के कोरस्पॉन्डिंग पी वन प्रोसेस अपने इंटरेस्ट को ट्रू कर देगा। पी जीरो का इंटरेस्ट टू था ही, पी वन ने भी अपने इंटरेस्ट को ट्रू कर दिया। अब आते हैं पी जीरो की बात करते हैं। पी जीरो प्रोसेस ने स्टेटमेंट नंबर फोर चलाया। स्टेटमेंट नंबर फोर के कोरस्पॉन्डिंग पी जीरो का टर्न आ गया, टर्न इज इक्वल टू जीरो हो गया। ठीक है, फाइव नंबर स्टेटमेंट के कोरस्पॉन्डिंग इसने कंडीशन चेक किया कि क्या दूसरे प्रोसेस का इंटरेस्ट है, यस है, इंटरेस्ट वन ट्रू है, और क्या टर्न करेंट प्रोसेस का है, यस ये है, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड, इसका मतलब ये वेट करेगा। ओके, तो अभी पी जीरो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं करेगा, वेट करेगा ये। चलिए इसका प्रिम्पशन यहीं पे कर देते हैं। फिर पी वन प्रोसेस चलाते हैं। पी वन प्रोसेस ने स्टेटमेंट नंबर फोर चलाया। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर फोर के कोरस्पॉन्डिंग इसने टर्न अपना सेट कर लिया, टर्न इक्वल टू वन। फिर फाइव नंबर स्टेटमेंट के कोरस्पॉन्डिंग कंडीशन चेक हुई, क्या दूसरे प्रोसेस का इंटरेस्ट ट्रू है, यस जीरो नंबर प्रोसेस का इंटरेस्ट ट्रू है, और क्या टर्न इस प्रोसेस का है, यस टर्न भी इसी प्रोसेस का है, क्योंकि हम पी वन प्रोसेस के लिए इंटरेस्ट टर्न इसका है, क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड लूप में, इसका मतलब कि हम वेट करते रहेंगे लगातार। चलिए ठीक है, मान लेते इसका टर्मिनेशन हो गया। इसके टर्मिनेशन के बाद हमने क्या किया, पी जीरो में स्टेटमेंट नंबर फाइव चलाया। ऑलरेडी फोर फाइव चेक कर चुके थे हम, फाइव नंबर दोबारा चला रहे हैं। फाइव नंबर दोबारा चलाया तो पहले दूसरे प्रोसेस का इंटरेस्ट देखा, क्योंकि हम पी जीरो के लिए चेक कर रहे हैं, इसलिए दूसरे प्रोसेस का जब हमने इंटरेस्ट देखा तो वो ट्रू है। फिर टर्न देखते हैं, टर्न की वैल्यू वन है। देखिए इसके जस्ट प्रीवियस वाले सिनेरियो में हमने टर्न की वैल्यू को वन सेट किया था, तो टर्न इस प्रोसेस का नहीं है, टर्न दूसरे प्रोसेस का है, टर्न वन का है। जीरो नंबर प्रोसेस को हम चेक कर रहे हैं, लेकिन टर्न किसका है, वन नंबर प्रोसेस का। तो पांच नंबर स्टेटमेंट फेल हो गया टर्न के कारण, ये फेल हो गया। चूंकि टर्न के कारण फेल हो गया, इसे क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री करेगा। ये क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री करेगा, इसका मतलब क्या है कि क्रिटिकल सेक्शन को फिनिश भी करेगा। फिनिश करेगा तो क्या हम करते हैं, छह नंबर स्टेटमेंट चलाते हैं। छह नंबर स्टेटमेंट ये कह रहा है कि प्रोसेस, सॉरी, इस प्रोसेस के इंटरेस्ट को फॉल्स सेट कर दो, तो आई जीरो के इंटरेस्ट को फॉल्स सेट कर दो। ठीक है, आई जीरो के इंटरेस्ट को फॉल्स सेट कर दो। टर्न अभी भी वन है, लेकिन आई जीरो के इंटरेस्ट को हमने फॉल्स सेट कर दिया एग्जिट सेक्शन के अकॉर्डिंग। नाउ पी वन प्रोसेस के लिए चेक करते हैं, पांच नंबर चलाते हैं स्टेटमेंट। पांच नंबर ये कह रहा है कि क्या इंटरेस्ट ऑफ अदर प्रोसेस ट्रू है, नहीं, इवन प्रोसेस है ना, इवन प्रोसेस के लिए इंटरेस्ट ऑफ जीरो फॉल्स है। क्योंकि ये फॉल्स है, इसलिए सेकंड कंडीशन को चेक करने की भी आपको जरूरत नहीं है, एक ही कंडीशन फॉल्स होगी, एंड कंडीशन लगा हुआ, तो पूरा का पूरा फॉल्स माना जाएगा। इसलिए हम फाइव के बाहर आएंगे और क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करते हैं। पहले पी जीरो एंटर कर रहा है क्रिटिकल सेक्शन, फिर पी वन एंटर कर रहा है। तो ये जो सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन के हिसाब से अगर आप ध्यान से देखें तो एक पहले तो दोनों एक साथ क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं कर रहे हैं, अलग अलग एंट्री कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि निश्चित रूप से म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाइड है। फिर जिस भी प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करना है, केवल वही प्रोसेस अपने इंटरेस्ट को सेट कर रहा है, इसलिए प्रोग्रेस प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है, और वो दूसरे प्रोसेस को रोक भी नहीं रहा। जो इंटरेस्ट सेट कर रहा है वो जाएगा क्रिटिकल सेक्शन में, जो अपना इंटरेस्ट ही नहीं सेट कर रहा वो कैसे जाएगा क्रिटिकल सेक्शन में, इसका मतलब कि दूसरे को नहीं रोक रहा है। फिर बाउंडेड वेट की बात करते हैं। दोनों एग्जाम्पल से, ऊपर वाले एग्जाम्पल से और नीचे वाले एग्जाम्पल से, आप जस्ट चेक करो। पहले पी वन प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन एंटर किया है, ऊपर वाले में पहले पी वन प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर किया है। जब पी वन प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को फिनिश करके, पी वन प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को फिनिश करके छह नंबर लाइन एग्जीक्यूट करेगा, तो पी वन प्रोसेस अपने इंटरेस्ट को फॉल्स कर देगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑफ वन इज इक्वल टू फॉल्स हो जाएगा, जीरो का ट्रू है, लेकिन पहले वाले या वन नंबर प्रोसेस का जो इंटरेस्ट है वो फॉल्स कर देगा। अब अगर हम पी जीरो प्रोसेस का स्टेटमेंट नंबर पांच चलाएं, तो पहली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, मतलब कि इंटरेस्ट ऑफ अदर प्रोसेस फॉल्स हुआ, इसका मतलब कि पी वन पी जीरो प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री कर जाएगा। तो पहले पी वन प्रोसेस एंटर कर रहा है, फिर पी जीरो,
फिर जब अल्टरनेट आगे बढ़ाएंगे तो फिर पी वन करेगा देन पी जीरो करेगा, फिर पी वन करेगा फिर पी जीरो करेगा, है ना। इसी तरह से नीचे वाला जो एग्जाम्पल ध्यान से देखो, नीचे वाले एग्जाम्पल में पहले पी जीरो प्रोसेस एंटर किया क्रिटिकल सेक्शन देन पी वन एंटर किया, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाओगे तो फिर पी जीरो एंटर करेगा फिर पी वन फिर पी जीरो फिर पी वन फिर पी जीरो फिर पी वन। इसका मतलब क्या है कि ऑल्टरेशन बना हुआ है, ऑल्टरेशन बना है, इसका मतलब क्या है कि बाउंडेड वेट कंडीशन सेटिस्फाइड है। निश्चित रूप से आपको पता है कि एक बार एक प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगा उसका दूसरी बार दूसरे का ही नंबर है, तो बाउंडेड वेट सेटिस्फाइड है। चूंकि ये प्रोसेस सॉफ्टवेयर सोल्यूशन है, कोई भी हार्डवेयर इसमें इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए आप कहेंगे कि ये आर्किटेक्चरली न्यूट्रल है। ये पहला आपको ऐसा सोल्यूशन मिला जो कि चारों की चारों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, करेक्ट। कितने लोगों को समझ में आया ये बात मेरी, प्लीज रेज योर हैंड। अब मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा फिर पूरी क्लास में से, ठीक है। तो ये पहला सोल्यूशन है पीटरसन सोल्यूशन जो कि सभी चीजों को सेटिस्फाई कर रहा है, सारे जो आपके रिक्वायरमेंट्स है वो सारी के सारी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे फुलफिल हो रही है, ओके।